हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे घिया के कोफ्ते। ये देखिए तरी, ये देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं ये खाने में फ्रेंड्स उतने ही टेस्टी होते हैं। आप इसे राइस के साथ, चपाती के साथ या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ पर मैंने गोल घिया लिया है, आप लंबा वाला घिया भी ले सकते हैं। 4 टमाटर, 4 हरी मिर्च, आधा कप दही, प्याज को बारीक कट कर लिया है और लेंगे हम बेसन। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरीके से धोना है। धोने के बाद आप इसे छील लीजिए। कद्दूकस करेंगे, यहाँ पर कद्दूकस इसे हमने कर लिया है। अब इसे हम हाथों की सहायता से इसे हम निचोड़ लेंगे। आप इसे जितना भी निचोड़ें फ्रेंड्स, इसके अंदर पानी फिर भी रह जाता है और ये पानी बहुत काम का होता है। इसे आप सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, इसे हम सब्जी में बाद में यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, जिसको भी एसिडिटी है इस पानी को पी सकता है। खाली पेट आप इस पानी को पी लीजिए। अगर आप गर्मी में पीते हैं तो आप इसे ऐसे भी पी सकते हैं। अगर आप इसे सर्दी में पीते हैं तो आप इसके अंदर काली मिर्च डालकर इसे पिए। 1 हफ्ते तक पीनेंगे तो आपकी एसिडिटी भी ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, पानी को अब हम अलग रख देंगे। अब यहाँ पर हम ये देखिए, अब इसके अंदर हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, नमक लेंगे, थोड़ा सा ही नमक लेना है आपने इसमें, लाल मिर्च डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च है ये। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। 4 चम्मच मैं यहाँ पर बेसन लूँगी। आप बेसन अपने हिसाब से लेंगे, इसके अंदर जितना मॉइस्चर होगा तो बेसन आप कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। आपने इस तरीके से इसमें बनाना है जैसे हम पकौड़े बनाते हैं, सेम ऐसे ही आपने इसको रेडी करना है बेसन डालकर। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इसे हमने रेडी कर लिया है। अब हम छोटी छोटी बॉल बना लेंगे या फिर आप पकोड़े बनाते समय भी साथ साथ इसकी बॉल बना सकते हैं। ऐसे करने से थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसलिए पहले हम इसको बॉल बनाकर इसकी रेडी कर लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए इसे रेडी कर लिया। अब ये बेसन का पानी हमारा बचा हुआ, इसके अंदर मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया। साइड का बेसन हम इसके अंदर ही मिक्स करेंगे और इसको हम साइड में रख देंगे। इसको हम सब्जी में यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये सभी बॉल डाल देंगे। ये देखिए जितना हमारा घी है, सॉरी तेल है, आप उसमें चारों साइड में इसी तरीके से बॉल डालकर इसे रेडी करेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा आप ऑयल इस तरीके से ऐसे करेंगे ताकि इसको तब हम पलटें तो ये चिपके ना। ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे हिलाएँगे और अच्छी तरीके से इसे ब्राउन करेंगे। अब इसे हम पलट देंगे। ये देखिए इसे हमने डीप फ्राई कर गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए ये बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। ये देखिए बाकी भी हम बनाकर इसे रेडी कर लेंगे। ये यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब हम ये पानी लेंगे फ्रेंड्स। अब इस पानी में हमने 1 चम्मच बेसन डालना है और 1/2 कप हमने ये दही लिया। दही अपने फ्रेश लेना, खट्टा दही नहीं लेना है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। ये मिक्स हो चुका है, अब इसे हम रख देंगे। यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर हमने हींग डाला, जीरा डाला हमने यहाँ पर, प्याज डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए तब तक हमारी प्याज भुनती है, हमने यहाँ पर 4 टमाटर लिए और 4 हरी मिर्च लिए। अब इसे हम बारीक पीस लेंगे। ये इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। प्याज हमारे यहाँ पर भुनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए अब ये टमाटर का पेस्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। गरम मसाला, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है ये मैंने कलर के लिए, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए मसाला हमारा भुनकर यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब ये यहाँ पर हमने कद्दूकस किया हुआ ये पानी है हमारा, सॉरी घिया का पानी है ये। अब ये यहाँ पर हमने
जो बेसन वाला पानी जो हमने बनाया था, बेसन और दही वाला, ये पानी हमने इसमें ऐड करना है। गैस को हमने सिम रखना है और धीरे धीरे कर हमने इसको अच्छी तरीके से ये मिक्स करना है। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने 1.5 गिलास पानी और ऐड करना है। पानी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आप तरी चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी और डाला है, ये देखिए। अब आप ये देखिए, तब आप इसे बॉईल करेंगे, पहले इसे हमने बॉईल करना है। तब आप बॉईल करेंगे तो साइड में सिर्फ पानी पानी दिखाई देगा, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे ये बनेगी ऐसे ऐसे इसकी तरी गाढ़ी होती चली जाएगी फ्रेंड। ये देखिए, ये इसमें अच्छी तरीके से बॉईल आना चाहिए। ये देखिए, तब इसमें बॉईल आ जाए फिर सभी पकौड़े हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। ये देखिए, बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। ये देखिए, अच्छी तरीके से इसमें बॉईल आ चुका है। ये देखिए, गरम मसाला डाल लेंगे इसके अंदर हम। यहाँ पर मैंने ये धनिए को पीस रखा है, यानी सुखा कर धनिए को पीसा हुआ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आप धनिया, फ्रेश धनिया भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है, और इसे अब हम ढक देंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये देखिए तरी कितनी अच्छी बनी है। आप इसे चपाती के साथ, राइस के साथ आप इसे फ्रेंड्स खा सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए जी फ्रेंड्स। ये देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।